पीयूष गोयल जी नमस्कार सर, आप रेल मंत्री हैं भारत के। सर मैं बेंगलुरु स्टेशन पे खड़ा हूँ। यहाँ पे आपने ना, आपके मंत्रालय ने बहुत पैसे खर्च के इतना महंगा महंगा मार्बल लगाया सर। सर ये जो मार्बल है ना, ये सर बहुत स्लिपरी है। और सर वैसे एक बात बताऊं, मेरी तरह यहाँ पे हजारों यात्री वेट कर रहे हैं देश की उत्तम ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस की, जो सर 4:25 पे यहाँ से रवाना हो जानी चाहिए थी मिस्टर गोयल, है ना सर? सर मेरी घड़ी के हिसाब से तो अभी 4:29 हुए हैं और अभी शताब्दी का कोई पता नहीं है। सर 3600 यहाँ पे अनाउंसमेंट्स हो रही हैं मिस्टर गोयल, रेल मंत्री हैं भारत के, महंगा महंगा मार्बल लगवाते हैं आप यहाँ फ्लोर पे भारत के स्टेशनों पे। लेकिन सर मैंने 3-4 पैसेंजर से बात करी, मैंने कहा क्या कोई अनाउंसमेंट हुई है कि शताब्दी कितनी लेट चल रही है? सर बहुत महंगी आती है सर शताब्दी की टिकट सर, लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं होती। अब क्या मैं आपको जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ? नहीं सर, सर आप मंत्री है ना, तो हम जो छोटे छोटे वोटर होते हैं ना सर, जिनकी वजह से आप लोग मंत्री बनते हो सर, हमारा हक बनता है आपको ये आगाह करने का कि दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव योर रेलवेज सो दैट एटलीस्ट देर आर अनाउंसमेंट्स एंड SMS मैसेजेस कम आउट टू कस्टमर्स ऑफ रेलवेज सेइंग व्हाई इज द ट्रेन लेट, व्हाई आर वी केप्ट हैंगिंग इन द मिडल ऑफ ईयर। मिस्टर गोयल मुझे ये भी पता है कि आप ही की पार्टी के बहुत सारे समर्थक यहाँ पे अभी भाव भाव करते आएंगे, मुझे माँ बहन की गालियां निकालते आएंगे। मैं उन समर्थकों को सर अक्सर हैशटैग नमोना कहता हूँ। सर कोई आपसे अपशब्द तो नहीं कहा मैंने? सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात की है ना सर, मैंने भी पैसा लगाया सर, खून पसीने का, GST पेड, नोटबंदी सर्टिफाइड। अब दर्शकों आपकी भी गाड़ियां लेट होती होंगी, लाइव वीडियो बना रहा हूं, कोई एडिटिंग तो करता नहीं मैं, जरा ठोको शेयर #रेलमंत्री रेल मंत्री RAIL रेल और मंत्री के बीच में स्पेस मत डालना, ताकि पीयूष गोयल जी को थोड़ा अवेयरनेस तो हो कि दिल्ली में बैठ के क्या इतने बड़े बेंगलुरु स्टेशन पे सर कोई अनाउंसमेंट नहीं हो सकती। सर स्टेशन मास्टर की कितनी सैलरी है वैसे यहाँ पे, अनाउंसर की कितनी सैलरी है सर, कितने लाखों रुपए खर्चे आपने ये माइक सिस्टम पे? Why are so many people? This is India's time being wasted, Mr. Goyal. Count the number of minutes by the number of passengers and then tell me, is this value for money for Indian Railways? Or am I in my rights to make a video like this and give you a high red alert saying you want to make India a first world country? Well, get down to the basics first. Thank you so much for watching. दर्शकों वही करेंगे जो हमेशा करते हैं, ठोको शेयर। जय जनता केड़ा।